जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आफ़रीन बाजी, मुझे बताइएगा कि आप उम्रे पे जाना चाहती हैं? जी जी जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे कोई भाई बहन नहीं है, कोई ख़ानदान वाले नहीं हैं, मुझे कोई ले जाने वाला नहीं है, किसी किस्म के मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मेरा आईडी कार्ड नहीं है, मेरा पासपोर्ट नहीं है, लेकिन उम्मीद भी है, यकीन भी है कि इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाऊँगी उम्रे पे, मैं ज़रूर जाऊँ। तो कभी आप गए नहीं उम्रे पे? नहीं नहीं कभी उम्रे पे कभी। अच्छा चलें, आफ़रीन बाजी आप रोइए नहीं, इंशाल्लाह हम ज़रूर उम्रे पे जाएंगे और बहुत सारे आपके बहन भाई हैं जो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनके दिल में डालेगा और आपके मामलात में आसानी होगी और इंशाल्लाह आपके उम्रे के अखराजात कोई भी जो है वो अल्लाह का जो भी नेक बंदा होगा इंशाल्लाह आप ज़रूर जाएंगी। अल्लाह के नेक बंदों की, अच्छे बंदों की कभी ना कमी थी ना है और ना कभी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मुझे बताएं आप उम्रे पे कभी मतलब क्यों नहीं जा बस सके? ऐसे हालात तो वाकयात ऐसे रहे वो, और पैसा सबसे बढ़ के तो पैसा, पैसा तो नहीं, मैं कोई जॉब तो करती नहीं थी कि चले, ये होता है इंसान का कि रिटायरमेंट के पैसों से वो हज कर लेता है। नहीं नहीं आप बेफिक्र हैं, अल्लाह इंशाल्लाह ज़रूरी नहीं कि रिटायरमेंट के ही पैसे हों, देखिएगा इंशाल्लाह आप ज़रूर जाएंगी। मैंने किसी दौर किसी ज़माने में कोई जॉब नहीं करी क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन अब तो हालात इतने बदल गए, बिल्कुल ही चेंज हो गए कि अब तो बस कुछ भी नहीं है, आईडी कार्ड भी नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है और पैसे नहीं। इंशाल्लाह ये सबसे पहले तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपका आईडी कार्ड और पासपोर्ट का प्रोसेस शुरू करते हैं। हाँ। और उसके बाद मैं देखने वाला से कहूँगा कि ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को और हमारी 2022 जो उम्रा कैंपेन है कराची लाहौर इस्लामाबाद उसमें ज़रूर आप शामिल हों, किसी की टिकट के अखराजात उठा सकते हैं, आफ़रीन बाजी के लिए जो है आप उनके अखराजात उठा सकते हैं और आफ़रीन बाजी आपको इसके बाद अल्लाह के हजूर ढेरों दुआएँ देंगी। ठीक है, चलें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जजाकअल्लाह जजाकअल्लाह।